बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी किचन में तुम्हारे में आपको शाम दिक्कत करते हैं। आज हम अपने किचन में आपको एक टिप बताएंगे, बहुत ही अच्छा टोटका है जो हम आज आपको बताएंगे। तो जैसा कि सर्दियों में लोग मछली को बॉयलर खाते हैं, बॉयलर पसंद करते हैं, तो फिश की जो स्मेल होती है बहुत ही नागवार लगती है और ये आसानी से जाती भी नहीं है, चाहे इसको जितना मर्जी धो लें हम। तो आज हम आपको मछली की जो स्मेल होती है वो ख़त्म करने का टोटका बताएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है मछली, लिया है हमने, तो वो बाजार वाले ऊपर कुछ इसके ऊपर मसाला वगैरह लगाते हैं, उससे कुछ हद तक स्मेल ख़त्म हो जाती है, मगर मुकम्मल तौर पर स्मेल इसकी ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए हमने लिया है बेसन, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम बेसन ले लेंगे हसबे ज़रूरत। इस बेसन को हम मछली के ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से और आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे बेसन को, अच्छी तरह से अंदर तक इसको लगा देंगे, कोई हिस्सा इसका नहीं छोड़ेंगे, हम हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे बेसन को। अगर इसको अच्छी तरह ना लगाया बेसन को मछली के ऊपर तो इसकी स्मेल खत्म नहीं होगी, तो इसलिए इसके हर पीस को अच्छी तरह से बेसन के साथ कवर करने। तो बेसन हमने लगा दिया सारे पीसेस के ऊपर, अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया, कोई भी पीस नहीं बचा। आप भी इसको अच्छी तरह से कवर करिएगा और कोट कर दिएगा बेसन के साथ। तो अब हम इसको तकरीबन एक घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको हम पानी से अच्छी तरह वाश कर लेंगे, धो लेंगे इसको, फिर आप महसूस करेंगे कि इसकी स्मेल जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और आराम से आप इसको पका सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, फिर आप इसको इंजॉय करें। तो ये टिप आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।